तो दोस्तों सैमसंग के दो तड़कते भड़कते रंगीन फोन्स आ चुके हैं मेरे पास। ये है सैमसंग गैलेक्सी A34 5G एंड दिस वन इज द गैलेक्सी A54 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे आज, बताऊंगा अपने फर्स्ट इंप्रेशंस, थोड़ी बहुत कहानी भी सुनाऊंगा साथ साथ में। पहले A34 5G को खोल लेते हैं। कहानी ये कि यार जो सैमसंग की ए सीरीज होती है, इसके जो फोन्स होते हैं ये यूजुअली आप सबको पता होगा मिड रेंज फोन्स होते हैं और बड़े पॉपुलर रहते हैं ये यूजर्स के अंदर। इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट सेलिंग एंड्रॉयड फोन्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन फ्रॉम द ए सीरीज लाइनअप। तो ये रहा A34 5G, जो इन दोनों में से थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ोन है। प्राइस एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता, मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 35,500। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30-32,000 रुपए के आसपास मोस्ट प्रॉबली ये फोन लॉन्च होना चाहिए। इसका जो कलर है ये लाइम कलर है, इसका नाम लिखा हुआ है ऑसम लाइम यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट ऑसम लाइम लुक्स लाइक। काफी हद तक पिक्सल 7 का एक कलर आया था लेमन ग्रास, वैसा लग रहा है। फोन के बारे में बात करूंगा, लेट मी कीप दिस असाइड फॉर अ सेकेंड। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या मिल रहा है। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरी, सैमसंग का बॉक्स है इसलिए, बट बनता है खोलना तो खोल लेते हैं। ओके, तो यहां पर राइट ऑन टॉप यू आर गेटिंग अ सिम इजेक्टर टूल एंड वही है जो सोचा था। कुछ कागज पन्ने दिए हुए हैं, लॉक गाइड दिया हुआ है, एक यूजर मैनुअल है बेसिकली, और एक यहां पर जो है आपको चार्जिंग केबल मिल रही है। चार्जर नहीं है, बट आई लाइक दिस थिंग दैट टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिल रही है 30,000 रुपए या मिड रेंज फोन के अंदर, जो कि बहुत रेयर है। सो यस, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल इज वॉट यू गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इस वाले को मैं साइड में रख देता हूँ। आ जाते हैं बड़े भाई के ऊपर, A54। वैसे भाई एक चीज़ देखी आपने, ये छोटा भाई बड़ा है, बड़ा भाई छोटा है साइज में। चलिए डब्बा खोल लेते हैं। ओहो, ये भी अच्छा कलर है यार। इसका नाम क्या है जी? ये है ऑसम वायलेट। तो वायलेट नहीं है वैसे, पर्पल ज़्यादा है वायलेट से, बट दिस इज वॉट द A54 5G लुक्स लाइक। सो दोनों फोन्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, A34, A54। एज आई सेड, जो A34 है जो ज़्यादा अफोर्डेबल है वो बड़ा है A54 की कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ साइज। माइनर डिफरेंस है, बट यस द डिफरेंस इज देयर। लेट मी कीप द फोन असाइड। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आई थिंक मोर ऑर लेस सेम ही होने वाला है आपका। चार्जर इसके अंदर भी नहीं है, फिर सिम इजेक्टर टूल यहाँ मिल रहा है एंड वही है। एक यूजर मैनुअल, अरे आपको मिल गई टाइप सी टू टाइप सी केबल। Now let's talk about the phones. Alright, तो ये रहे दोनों phones. As you can see, यार the colors are really good. मतलब मुझे genuinely ये colors बहुत अच्छे लगे, काफी youthful से colors हैं, vibrant colors हैं, तो इनके अंदर आपको ये phone मिल जाएंगे। दोनों के अंदर यहाँ पर जो है plastic back दी हुई है, and that you get to know as soon as जैसे ही आप फोन उठाते हो हाथ में, यू विल गेट टू नो कि प्लास्टिक का बैक है और जो फ्रेम है वो भी जो है प्लास्टिक है। थोड़ा सा जो एक माइनर डिफरेंस है इन दोनों कलर्स के अंदर, वो आप देख सकते हो कि जो A34 है यहाँ पर जो बैक है ये हल्का सा मैटिश यहाँ पर फिनिश दिया हुआ है, जबकि जो A54 है इसमें थोड़ा सा ग्लॉसी यहाँ पर फिनिश मिल रहा है। कैमरा मॉड्यूल जो आजकल सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलता है वैसा ही है, बड़े बड़े रिंग्स हैं जो कि बॉडी के अंदर से ही आ रहे हैं। वेट वाइज ओके वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। A54 मुझे थोड़ा भारी लग रहा है A34 से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। दोनों में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, ऊपर सिम स्लॉट दिया हुआ है, और काफ़ी हद तक जो है डिज़ाइन बहुत सिमिलर सा ही है दोनों फोन का अपार्ट फ्रॉम द साइज। नाउ इट्स द फ्रंट वेयर आई हैव थोड़ा सा छोटा सा एक इशू, स्पेशली विद दिस वन, नॉट विद दिस वन। पहले इसकी बात कर लेते हैं A34 की। यहाँ पर जो है एक 6.5 इंच का फुल HD+ AMOLED पैनल दिया हुआ है, एंड दिस इज माई प्रॉब्लम। ये देख रहे हो आप, ये जो वाटर ड्रॉप नॉच दिया हुआ है यार, 30,000 रुपए के फोन पे वाटर ड्रॉप नॉच नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब यू शुड हैव गॉन विद अ होल पंच कटआउट। इनफैक्ट यहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और कितना छोटा होल पंच कटआउट है जो सेल्फी सेंसर के लिए, एंड दिस एक्चुअली लुक्स गुड। बट यस, दोनों फोन्स पर बेजल्स ठीक ठाक से मिल रहे हैं। A54 पर भी बेजल्स अच्छे खासे हैं, चिन थोड़ी मोटी, एंड इवन ऑन द A34 यू गेट द बेजल्स। सो लुक वाइज A54 टिक मार्क, A34 नॉट सो ग्रेट, बट द डिस्प्ले इज वेरी गुड। जो पैनल की क्वालिटी है हमेशा की तरह सैमसंग ने यहाँ पर बढ़िया काम करा है, इट्स गुड टू इंटरैक्ट विद। काफी स्मूथ डिस्प्लेज हैं दोनों ही फोन के ऊपर, और दोनों फोन में यहाँ पर सैमसंग ने 120Hz रिफ्रेश रेट भी दी है, सो दैट इज अगेन वेरी गुड, पुट्स इट राइट एट पार विद द कॉम्पिटिशन।
एंड ओवरऑल अभी तक जितने मैंने यूज करा है काफी ब्राइट डिस्प्ले है, कंटेंट वगैरह जो है इनके ऊपर काफी बढ़िया लगता है. तो यस ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट डिस्प्ले एंड डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने कंप्लेंट्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम द वाटर ड्रॉप नॉच. अब कैमरा की बात करते हैं. कैमरा में दोनों फोन्स में डिफरेंस है. A54 के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी स्पेक्स आप देख सकते हो. एक अल्ट्रा वाइड एक मैक्रो सेंसर दिया हुआ है. 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेल्फी शूटर मिल जाता है. इन कंपैरिजन जो A34 है इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड बाकी दोनों सेंसर सेम है, अल्ट्रा वाइड मैक्रो, एंड सामने जो है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है. एंड दोनों फोन्स के मेन कैमरा के ऊपर OIS दिया हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग कि आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है. तो लो लाइट फोटोग्राफी जो है डेफिनेटली बेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मैंने अभी तक कुछ डे लाइट शॉट्स लिए हैं, कुछ फोटोज अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी दोनों फोन से साइड बाई साइड, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. बट येस ओवरऑल जो है पिक्चर की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी लग रही है. वाइब्रेंट इमेजेस है, पंची इमेजेस हैं, बट ऑब्वियसली हम इस कैमरा को और थरली टेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है फाइनल रिव्यू में आपको मैं पूरा कैमरा एक्सपीरियंस बताऊंगा. बट फॉर नाउ कीप लुकिंग एट दीज इमेजेस एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ. कमेंट करके जरूर बताना कि फोटोज कैसी लग रही है. दोनों फोन्स के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और One UI 5.1 के ऊपर ये रन करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स. Android 13 का यहाँ पर सपोर्ट है. अनदर पॉइंट फॉर Samsung क्योंकि दोनों फोन्स में आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं. तो यानी Android 13 से 14, 15, 16, 17 तक का आपको सपोर्ट मिल रहा है. यूजुअली ये फ्लैगशिप फोन के साथ ही होता है, बट इट्स गुड टू सी कि सैमसंग ने ये जो चीज़ है अपने मिड रेंज फोन्स के अंदर भी एक्सटेंड करी है. मेरे पास जो वेरिएंट आया दोनों में 8GB रैम है, एक में 128GB स्टोरेज है, एक में 256GB स्टोरेज है. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 8128 एंड 8256 वाले जो वेरिएंट्स हैं वो मार्केट में आएंगे शायद. बाकी परफॉर्मेंस को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. इनको अभी दबा के यूज़ करने वाले हैं हम लोग, गेमिंग वेमिंग करेंगे इसके ऊपर एंड देन एट द एंड ऑफ द होल एक्सपीरियंस फुल रिव्यू आपको मिलेगा A34 A54 का फाइबर के ऊपर. तब तक आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं इन फोन्स को लेकर वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना. इफ यू वांट अस टू कंपेयर दीज फोन्स विद सम अदर फोन इन द मार्केट आप वो भी डेफिनेटली बताना. वो वाले वीडियोस भी जो है हम आपके लिए बिल्कुल लेकर आए.